नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल होगी और लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड आपके हर डाउट क्लियर करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 अगस्त 2020 को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के सदस्य थे, उन्होंने सभी ने रिकमेंड किया था कि इस पेंडेमिक या क्राइसिस के दौरान जितने भी लोन या बोरोवर इंपैक्टेड हुए हैं, वो अपने लोन ईएमआई को आगे रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं 2 साल तक के लिए। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी भी रिकमेंडेशन थी, सभी बैंक एनबीएफसी कंपनी और लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन को अगस्त के महीने में ही सर्कुलेट कर दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त महीने के लास्ट में मॉरेटोरियम को फिनिश कर दिया था और लोन ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड अपने गाइडलाइन सर्कुलेट कर दिए थे। आरबीआई के लोन रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन के अनुसार यदि आप अपने लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हो तो उसके अंदर आपको 2 साल तक का मॉरेटोरियम भी मिल सकता है। साथ में जो आपकी ईएमआई है, कुछ महीने ईएमआई को आप डेफरमेंट कर सकते हैं एज ए मॉरेटोरियम। उसके बाद अगर आपकी ईएमआई अगर 15,000 रुपए है, आप ईएमआई को स्टेप डाउन भी करवा सकते हैं। यानी अगर इस क्राइसिस के दौरान आपकी ईएमआई आप उतना नहीं भर पा रहे हैं, तो जैसे अगर आपकी ईएमआई 15,000 रुपए है तो उस ईएमआई को आप 10,000 रुपए भी पे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के लिए, जैसे आपकी आपका कोई 5 लाख रुपए का लोन है, तो उस लोन के ऊपर अगर आपका 5,000 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है तो ओनली आप कुछ महीने इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, आपकी ईएमआई डेफरमेंट रहेगी। और उसके बाद आरबीआई ने यह भी कहा था कि जैसे ही इस पेंडेमिक के दौरान जो बोरोवर है वो इस पेंडेमिक से निकलता है, उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी ईएमआई को स्टेप अप भी कर सकते हैं। यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन थी लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, 2 साल का मॉरेटोरियम और एडिशनल जो ईएमआई डेफरमेंट है, सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि आरबीआई ने इसके अंदर एक थोड़ा सा अपना जो नया ज्ञान दे दिया कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो वो अपने कस्टमर या बोरोवर का लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है और अगर न करना चाहे तो नहीं कर सकती। यानी ये पूरा का पूरा डिपेंड कर दिया गया बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर कि वो रिस्ट्रक्चरिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर अपना टाइम फ्रेम भी रखा कि 31 दिसंबर 2020 तक ही आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी लास्ट डेट आने वाली है। अगर आपने 31 दिसंबर 2020 तक अगर लोन रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई नहीं किया तो इसके बाद आप लोन रिस्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके अंदर बैंकों ने भी अपनी अपनी नई नई गाइडलाइन निकाली कि आप कुछ प्रोसेसिंग चार्ज देकर लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो, लेकिन अभी भी देखने में यही बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं या फिर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोगों और बोरोवर की कंप्लेंट गई कि जितने भी लोन एनबीएफसी या फिर बैंक है या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, वो उनके लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे। और फिलहाल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह भी एक स्टेटमेंट आया है कि जितने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, वो जितने भी कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करे, क्योंकि नहीं तो जो लोन है अभी डायरेक्टली एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एंट्री मोड है अभी ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। और जैसे अगर कोई लोन एनपीए में चला जाता है तो बैंक के ऊपर भी इसका जो बैड इंपैक्ट पड़ता है, बैंक भी डूबने की कगार पर रहता है अगर लोन जितने भी लोन है अगर वो एनपीए में ज्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी आरबीआई ने भी इसमें अपना रुख अपनाया है कि जितने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, लोन ईएमआई को ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग करे। और दोस्तों इसी को देखते हुए हमारी टीम ने भी, हमारे टीम मेंबर ने भी एक एप्लीकेशन या एक ड्राफ्टिंग तैयार की है। और वो अगर आप एप्लीकेशन या ड्राफ्टिंग को डायरेक्टली अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आप मेल करते हैं तो आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिलने में आसानी हो जाए। यदि आप अपने लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने ड्राफ्टिंग किया, जो हमारे टीम मेंबर ने वो एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उधर से आप पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मेरी वेबसाइट के ऊपर पूरा लिखा हुआ भी है कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है। जैसे ये पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग है आप मेल करते हैं बैंक को, साथ में मेल करते वक्त कुछ जो बातें हैं दोस्तों आप 100% ध्यान रखिए। जैसे आप अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जो ये मेल है, ये ड्राफ्टिंग है जो हमारे टीम मेंबर ने तैयार की है, अगर आप इसको मेल करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मेलिंग एड्रेस है, जो 2 ऑप्शन रहता है, उसमें आप अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मेल आईडी मेंशन कीजिए। साथ में जो नोडल ऑफिसर है, यदि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी लोन ईएमआई है, आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हैं, एचडीएफसी का है, आईसीआईसी का है, बजाज फिंजरो का है, यानी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का हो, उधर का जो नोडल ऑफिसर है, साथ में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का जो हेड है, आपको पता होगा कि बैंक में जितने भी ये हमारी शिकायतें उनको सुनने के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का जो नोडल ऑफिसर है वो नियुक्त रहता है, साथ में दूसरी कंप्लेंट सुनने के लिए दूसरा नोडल ऑफिसर
ऑफिसर रहता है, इंटरनेट से सभी की ईमेल आईडी निकालिएगा और नोडल ऑफिसर को टू में, यानी जब भी आप मेल करेंगे टू सेक्शन में उनको मेंशन कीजिएगा। मेल के नीचे दोस्तों एक सीसी का कॉलम रहता है यानी कार्बन कॉपी, उसके अंदर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के जो हेड ऑफिस के अधिकारी हैं उनकी मेल आईडी मेंशन करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उधर आपको चार जो मेल आईडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के जो अधिकारी है उनकी मिल जाएगी। कार्बन कॉपी में आपको वो मेल आईडी मेंशन करनी है, यानी टू में आपको बैंक के साथ में जो उनका नोडल ऑफिसर है, साथ में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का जो नोडल अधिकारी है, वो कार्बन कॉपी में आपको जो आरबीआई के नोडल और ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के जो हेड ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनकी मेल आईडी मेंशन करनी है। दोस्तों ये पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मेरी जो वेबसाइट, उधर से आप इस ड्राफ्टिंग को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उधर से कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करके आपको सिर्फ उसके अंदर आपका बैंक का नेम, आपका लोन अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, ये सब चीजें मेंशन करनी है। जैसे ही कॉपी पेस्ट करके आप मेल करेंगे, यकीन मानिए कि लगभग अगर 100 लोग इसको अप्लाई करते हैं तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता 60 या 70 लोगों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों जो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली जो मेरी वेबसाइट है www.digitalhelper.in उधर भी मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, दोनों जगह से आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर आपको पीडीएफ ऑप्शन में भी मिल जाएगी और डायरेक्टली आप उधर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यह हमारे टीम मेंबर द्वारा ही बनाया गया एक फॉर्मेट है जिससे आप इजीली वे में लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अभी 31 दिसंबर 2020 ही फाइनल डेट है, आप अपने लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की डेट है वो 31 मार्च 2020 तक आगे बढ़ाई जाए। अभी पीछे ही आपको पता होगा सुनवाई में कहा गया था, लेकिन अभी बाद में देखते हैं। और आपको पता है कि 14 दिसंबर 2020 को लोन ईएमआई मॉरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि क्या हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग ले या मॉरेटोरियम ले, तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मॉरेटोरियम के ऊपर पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि आप इधर पेनल्टी के ऊपर चार्ज के ऊपर दबा के चार्ज आप लोग दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप अपने लोन ईएमआई को रिस्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए। हो सकता है कि उसके अंदर आपको 3, 4 या 6 महीने का मॉरेटोरियम मिल जाए, और अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाता है और उसके बाद यदि मान के चलते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है मॉरेटोरियम से रिलेटेड कि सभी कस्टमर को 31 मार्च 2021 तक मॉरेटोरियम मिलेगा, तो अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाता है उसके बाद भी आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं, उसमें यह भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवा लेंगे तो बाद में आपको मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा, आप तब भी मॉरेटोरियम मिल सकता है। दोस्तों ये सिंपल सी जो पूरी की पूरी मेल आपको डायरेक्टली अपने बैंक में करनी है, मेल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से कॉपी पेस्ट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और एक बार मेल करके, और डायरेक्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने डाउनलोड कर लिया, ताकि पता चल सके कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।